हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा बुनाई डिज़ाइन है। अगर आप लोग नया नया बुनाई करना सीख रहे हैं तो इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो है 6 के मल्टीपल में स्टिचेज लेने होंगे, यानी कि 6 के गुने में फंदे लेने होंगे, और 4 फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना होगा। और ये जो डिज़ाइन है आपका, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, यानी कि जो 4 सिलाइयाँ मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी रो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 सिलाइयाँ देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। और डिज़ाइन पैटर्न की जो फर्स्ट होगी वो आपकी फ्रंट साइड से होगी, यानी कि सीधी तरफ से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जस्ट फंदे डाले, ठीक है, और पहली सिलाई मेरी यहाँ पे उल्टी साइड से थी, तो अब मैंने पहली सिलाई उल्टी साइड से थी ना, तो उल्टी उल्टी बना ली। अब मैं आ गई तो यहाँ पे देखिए, सीधी। यहाँ यहाँ पे मैं हूँ अपनी सीधी तरफ, और पैटर्न की फर्स्ट रो फ्रंट साइड, पहला फंदा मैं यहाँ पे ऐसे सीधा बना लूंगी। इसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाली डालेंगे, लेकिन आगे हमें उल्टे फंदे बनाने हैं, तो उल्टा फंदा बनाते हुए जाली डालेंगे। देखो ऐसे धागा अपनी तरफ लाएंगे, अब जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ लाके एक जाली डाल ली। अब यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ये देखिए, अगले 2 फंदे भी 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे, लेकिन पीछे ले जाते हुए ऐसे। तो देखिए एज स्टिच को छोड़कर ये जो फंदे हमने बनाए हैं 2 4 6, यही हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 फंदा सीधा बनाया था, 2 फंदा ऐसे हम सीधा बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ लाते हुए जाली डाल देंगे। अब यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, नेक्स्ट 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब ले जाएंगे धागा पीछे और यहाँ पे डालेंगे जाली, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी तरफ लाके जाली डालेंगे और 2 फंदा 1 बनाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए एक जाली डालेंगे और 2 फंदा लास्ट में हम सीधा बना लेंगे, 1 2, एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। तो रो 1 इस तरह से हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम अपनी रो 2 पर, यानी कि रॉन्ग साइड से पैटर्न की रो 2, पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस रो को सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बार देखिएगा जरूर। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे प्यार सपोर्ट दीजिएगा जरूर मुझे उस चैनल पर भी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो देखिए इस तरह से सेकंड रो पूरी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये देखिए अब आ गए हम पैटर्न की रो नंबर 3 पर। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, डिजाइन तो वही बनाएंगे लेकिन चेंज ये करेंगे कि ये जो सेंटर में ये जो डिजाइन बने अब यहां बनाने हैं, ये वाला डिजाइन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे एक फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा बनाया, उसके बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब 2 का 1 कर देंगे, बस एक ही बार करना है, इस तरह से कर दिया। अब धागा पीछे ले जाते हुए हमें यहाँ पे एक जाली डालनी है, और यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और एक जाली, 2 का 1, अगेन 2 का 1, धागा पीछे, जाली, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, जाली, 2 का 1, 2 का 1, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली, अब यहां पे कर देंगे 2 का 1, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एज स्टिच को भी सीधा। रो 3 हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब हम आ गए अपनी रो नंबर 4 पर। तो पहला फंदा देखिए स्लिप कर लेंगे, और एक एक करते हुए सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डिजाइन ना बहुत आसान है गाइस, आप इस डिजाइन को बनाइएगा जरूर।
इस तरह से देखिए, बहुत आसान बुनाई डिजाइन है। तो पूरी सिलाई हम इस तरह से उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यही चार सिलाइयां बार बार रिपीट करते हुए जाइएगा तो डिजाइन पैटर्न बहुत खूबसूरत बन के आएगा। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये चार सिलाइयां हमने बना ली। ठीक है, इस तरह से ये डिजाइन हमारा बनकर आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो जब आप इसे ज्यादा फंदों पे बनाएंगे तो ये डिजाइन देखिए इस तरह से दिखाई देगा, देख सकते हो। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह ये बहुत खूबसूरत बन के आएगा। तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और रॉन्ग साइड से देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये फ्रंट साइड से इस तरह से। किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोगों के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलता रहता है। और मेरे जो अदर चैनल है उस पर भी विजिट करके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।